नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। इसका पार्ट थर्ड के में अपन चर्चा करेंगे समस्याओं के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ, विशेषताएं और परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। सेकेंड जो पार्ट था आपका, उसमें मैंने आपको प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के बारे में बताया था। तो क्या होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे बालक जो अपनी आयु के औसत बालकों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं, वो बालक कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कॉल सैनिक ने कहा है कि ऐसे बालक जो किसी विशिष्ट योग्यता में श्रेष्ठ हो, वो बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा टनमन ने तो यहाँ तक कहा कि जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है, वह बालक प्रतिभाशाली कहलाता है। ये परिभाषाएं दी। तो प्रतिभाशाली बालक जो है अपनी आयु के औसत बालकों से श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा उसकी याद करने की क्षमता अच्छी होती है, वो उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, उसका उपलब्धि परीक्षण भी बहुत अच्छा होता है। प्रतिभाशाली बालक अन्य बालकों की अपेक्षा रुचियां उसकी विशाल होती है, भाषा का विकास उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है, सभी दृष्टिकोणों से बालक जो है श्रेष्ठ होता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक इस समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। इस समाज के साथ समायोजन में उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं के चलते प्रतिभाशाली बालक कई बार अपराधी भी बन जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं, जिसके कारण प्रतिभाशाली बालक को अगर उचित मार्गदर्शन और उचित निर्देशन प्रदान नहीं किया जाए, अगर बालक गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो प्रतिभाशाली बालक भी बाल अपराधी बन जाता है, जो इस समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। तो हम शिक्षाविद होने के नाते एक कक्षा वातावरण में ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, माता पिता के साथ वार्तालाप करना चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हम समाज में इन बाल अपराधियों को बनने से रोक सके। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालक के सामने किन किन समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहली समस्या है समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित करके इस समाज के साथ समाज के वातावरण में घुलमिल जाता है, उसे ही कहते हैं विद्यार्थियों समायोजन। समायोजन की समस्या प्रतिभाशाली बालक में कैसे रहती है वो देखिए। आप जानते हैं प्रतिभाशाली बालक जो है अन्य बालकों से अलग होता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है तो उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती है। लेकिन विद्यालय वातावरण, सबसे पहले मैं समायोजन की समस्या बता रही हूँ विद्यालय में। विद्यालय में क्या समस्या रहती है विद्यार्थियों, आप जानते हो जब कक्षा में टीचर पढ़ा रहा होता है, तो कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो साधारण शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक के सामने समस्या ये आ जाती है कि वो टीचर जिन चीजों को समझा रहा है वो जल्दी से उस चीज को सीख लेता है, लेकिन टीचर पढ़ाता है सभी बालकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर उसके लिए टीचर का पढ़ाना उबाऊ हो जाता है, बकवास हो जाता है, जिसके कारण बाकी समय में वो अनुशासनहीनता करने लग जाता है। तो विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष के वातावरण से उदासीनता आ जाती है, वो उस कक्षा वातावरण में अपने आप को घुला मिला नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी चीज जल्दी से याद हो जाती है, उसकी बुद्धि की तीव्रता ऐसी है कि उसे
अधिक अधिगम सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन कक्षा के वातावरण में उसको लिमिटेड चीजों से ही अवगत करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली पालक होता है जिज्ञासु प्रवृत्ति का, लेकिन कक्षा वातावरण में अगर उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती तो वो समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करने लग जाता है। उसके बाद देखिए सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में आप जानते हैं, आप अगर औसत बालक निकालेंगे तो हमारे समाज में औसत बालकों की संख्या अलग है। अगर एक प्रतिभाशाली बालक औसत बालकों के साथ खेलता है तो उनकी रुचियां औसत बालक से नहीं मिलती है। उसके खेल खेलने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो हर चीज में क्या करता है, आगे बढ़ने की सोचता है, और औसत बालक उससे पीछे रह जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट उस खेल से हट जाता है। तो वो समाज में उन बच्चों के साथ खेल के माध्यम से भी जुड़ नहीं पाता है। आप जानते हो समाज में कई ऐसी गतिविधियां भी होती है, उन गतिविधियों से कुछ अलग करना चाहता है लेकिन समाज में उसे वातावरण नहीं मिल पाता है। समाज में वो चीजें उसको अवेलेबल नहीं हो पाती है जिसके कारण वो इस समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। उसके बाद देखिए सामूहिक। आपको पता है औसत बालक अलग है, प्रतिभाशाली बालक अलग होता है, उनकी रुचियां अलग होती है, खेलने का तरीका अलग होता है, भाषा विकास का तरीका अलग होता है, दैनिक कार्यों को करने का तरीका अलग अलग होता है। तो समूह में जब इन औसत बालकों के साथ एक प्रतिभाशाली बालक काम करता है तो उसको उबाऊ लगने लग जाता है, उसका उस काम के प्रति उदासीनता पैदा हो जाती है और उस वह समूह के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। इसके अलावा एक ध्यान रखना है घर का वातावरण। आप जानते हो घर में आज जो सिचुएशन है, माता और पिता दोनों वर्किंग में होते हैं। दोनों वर्किंग में होने के कारण प्रतिभाशाली बालक की रुचि के बारे में वो ज्ञात नहीं कर पाते हैं, उस बालक से वो वार्तालाप नहीं करते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चा अंदर ही अंदर कुंठा का शिकार हो जाता है। उसमें इस समाज के प्रति, घर के वातावरण के प्रति उदासीनता पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर के वातावरण में माता पिता से बात करके वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है लेकिन माता पिता के पास उसके लिए वक्त नहीं होता है। तो घर के वातावरण में भी हमें बच्चों के साथ वार्तालाप करनी चाहिए ताकि इन प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कर सके और ये समझ सके कि ये बालक चाहता क्या है। कई बार आर्थिक कारणों से भी माता पिता प्रतिभाशाली बालक की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि मैं मानूं कि एक विद्यार्थी क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन माता पिता की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसके क्रिकेट एकेडमी में उसका एडमिशन करवा सके, तो कई बार इन कारणों से भी प्रतिभाशाली बालक अपनी रुचियों से भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है और गलत चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिभा छुप जाती है, उसकी प्रतिभा का आकलन सही तरीके से नहीं होता, उसका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं होता है। तो आपने देखा घर के वातावरण से समायोजित नहीं हो पाता, स्कूल के वातावरण से समायोजित नहीं हो पाता, सामूहिक वातावरण से समायोजित नहीं हो पाता और सामाजिक वातावरण के साथ बालक समायोजित नहीं हो पाता है। अब आती है विद्यार्थियों मनोवैज्ञानिक समस्या। ये मनोवैज्ञानिक समस्या प्रतिभाशाली बालक के अंदर आती है। आप सब जानते हो विद्यार्थियों कि माता पिता और अध्यापक क्या होता है, सबको पता है कि जो औसत बालक है, औसत बालक पाठ को याद करेगा फिर उसको सुनाएगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक एक बार पढ़ने और सुनने के बाद ही उसको वो चीज क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है, वो उस चीज को सीख जाता है। अब वो आगे सीखना चाहता है लेकिन अध्यापक उसको सिखा नहीं पाता है क्योंकि कक्षा कक्ष के वातावरण में अध्यापक सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए ही उसे क्या करना पड़ता है विद्यार्थियों, पढ़ाना पड़ता है। तो वो क्या करता है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से
क्या होते हैं, वो बालक भटक जाता है, वो अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता है, कक्षा वातावरण में वो चीजों को सीखना चाहता है लेकिन अध्यापक के द्वारा उसको सिखाया नहीं जाता है। जब अध्यापक के द्वारा सिखाया नहीं जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है, अपने रास्ते से क्या हो जाता है, भटक जाता है और गलत आदतों के शिकार हो जाता है। वो अपने अहम और विरोध दोनों के भंवर जाल में फंस जाता है। मतलब यहाँ पे ये है कि वो चीजों को समझना चाहता है लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो उसके अहम को ठेस पहुंचती है, उसकी जिज्ञासा वहां पर शांत नहीं हो पाती है और बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या ये होती है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, उसकी याद करने की क्षमता अच्छी होती है, उसकी भाषा विकास की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन कक्षा वातावरण में अध्यापक के द्वारा जब उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है तो उसमें हीन भावना आ जाती है, कुंठा की भावना आ जाती है, उसमें अहम और विरोध के भंवर जाल में वो बच्चा फंस जाता है और इसके कारण वो समझ जाता है कि उसका जो ज्ञान है, उसका जो अहम है, वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पर सीख नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी मानसिकता के कारण बच्चा जो है अपने विदाउट मार्गदर्शन के वो बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो प्रतिभाशाली बालकों के सामने मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी आती है। दूसरा है सामाजिक विकास में बाधा। सामाजिक विकास में बाधा कैसे आती है विद्यार्थियों, आप सब जानते हो प्रतिभाशाली बालकों को खेलने के लिए साथी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि औसत बालक अपने तरीके से खेलता है जबकि प्रतिभाशाली बालक जो है उसके खेलने का तरीका अलग होता है, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है जिसके कारण वो क्या करता है, हर खेल में जीत जाता है और जब वो हर खेल में जीत जाएगा तो औसत बालक उसके साथ खेलने में रुचि ही नहीं लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिभाशाली बालक के मित्र बहुत ही कम होते हैं, उसके साथी बहुत ही कम होते हैं और जब समाज में साथी नहीं होगा, मित्र नहीं होगा तो उस बालक का सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा, सहन शक्ति, दया, प्रेम आदि जो संस्कार है उस बालक में डेवलप नहीं हो पाएगी और उसका सामाजिक विकास रुक जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक को साथी बनाने में बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा सामाजिक विकास में बाधा। दूसरा है लापरवाही और हवाई किले। प्रतिभाशाली बालक में हमेशा जल्दबाजी रहती है, वो हर काम में जल्दबाजी करता है, लापरवाह होता है, दैनिक क्रियाकलापों में हर प्रकार की क्या करता है, उदासीनता दिखाता है और कक्षा कक्ष में जो भी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों से पढ़ा रहे हैं उनके प्रति वो बच्चा लापरवाह होता है। क्या होता है? लापरवाह होता है, हवाई किले बनाने लग जाता है। लापरवाही और ध्यान देने की वजह से कई बार आलसी भी बन जाता है और कार्य करने की पहल भी नहीं कर पाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बालक जो है जब उसकी उस काम के प्रति रुचि नहीं होती है तो वो लापरवाह हो जाता है, शिक्षण विधियों में रुचि नहीं लेता, शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेता और धीरे 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 उसकी एकाग्रता और उसकी ध्यान देने की जो कैपेसिटी थी वो वहां से हट जाती है और प्रतिभाशाली बालक जो है लापरवाह और अपने हवाई किले अपनी कल्पनाओं में ही डूबा रहता है और जो टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ होता है वो उसको समझता नहीं है और धीरे 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 वो बालक प्रतिभाशाली बालक से पिछड़े बालकों की श्रेणी में चला जाता है। उसके बाद आता है अभिमान का विकास। आप जानते हो कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो प्रतिभाशाली होता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो अन्य बालकों से पहले क्वेश्चन के आंसर देता है तो उसके अंदर एक अभिमान और अहम का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। वो अपनी बुद्धि के कारण अनुशासनहीनता करने लग जाता है,
दलबंदी करने लग जाता है, उसमें अहम का भाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है और ये समझता है कक्षा में कि मैं ही सब कुछ हूं। क्यों? क्योंकि कई बार अध्यापक भी इन्हीं प्रतिभाशाली बालकों पर ध्यान देते हैं जो अच्छा उत्तर देते हैं, शीघ्र उत्तर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन प्रतिभाशाली बालक में कि टीचर के द्वारा उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो उसमें अहम भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। उसके बाद है विद्यालय विषयों व व्यवसाय चयन में समस्या। आप जानते हो प्रतिभाशाली बालक को अगर उचित मार्गदर्शन व निर्देशन नहीं दिया जाता तो कई बार वो विद्यालय विषय चुनने में गलत विषयों का चुनाव कर लेता है और कई बार गलत व्यवसाय को भी चुन लेता है जिसमें वह उतना प्रतिभाशाली नहीं होता है जितना जिस काम में उसकी रुचि थी। अगर उस काम में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाता तो वो बालक बहुत ही आगे जा सकता था। तो विद्यालय विषयों और व्यवसाय चयन की समस्या के कारण भी प्रतिभाशाली बालक अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हो कि विद्यालय विषयों में जो है प्रतिभाशाली बालक क्यों पिछड़ जाता है? क्योंकि इनकी रुचियां अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक में हर रुचि का विकास हो जाता है, रुचि की विभिन्नता इनमें पाई जाती है। तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि किस विषय का चुनाव करना चाहिए और किस विषय को छोड़ना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालक हर काम को सीख लेता है तो उसको ये पता नहीं चल पाता है कि उसको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और इसके कारण आगे जाकर के उसको भुगतान भी करना पड़ता है। तो विद्यालय विषय और व्यवसाय चयन में भी बालक को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है कार्य करने की क्षमता। आप जानते हो प्रतिभाशाली बालक की कार्य करने की कैपेसिटी सामान्य बालकों से बहुत अच्छी होती है और कई बार ये कार्य करने की ज्यादा क्षमता ही उसके लिए क्या बन जाती है समस्या बन जाती है। क्योंकि वो तर्क वितर्क करने, चिंतन करना, मौलिक चिंतन करना, समस्या का समाधान करना, सृजनात्मक क्षमता का विकसित होना, ये उस बालक में बहुत अच्छी होती है जिसके कारण वो सामान्य बालक के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। तो कार्य करने की क्षमता प्रतिभाशाली बालक में ज्यादा होना भी उसके लिए समस्या बन जाती है। तो आज हमने प्रतिभाशाली बालक की समस्याएं देखी। विद्यार्थी देखो, इसमें रीट हो चाहे सीटेट हो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अप्लाइंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि एक अध्यापक को प्रतिभाशाली बालक में किन किन समस्याओं को खोजा जाना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आती है या इनमें से कौन सी समस्या प्रतिभाशाली बालक के सामने नहीं आती है, किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये विद्यार्थियों समझने वाला टॉपिक है और इजी टॉपिक है, सबको लगता है इसका आंसर सही कर देंगे, लेकिन विद्यार्थियों इसका डीप स्टडी करना और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके हर पक्ष को देखना बहुत ही जरूरी है कि प्रतिभाशाली बालक किन किन क्षेत्रों में कहां कहां पर समस्या उसके सामने आती है और आगे के वीडियोस में हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, किस प्रकार शिक्षा की योजना बनानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक इस समाज के लिए बहुत बड़ी देन हो सके, इस समाज के लिए प्रेरणा बन सके, इस समाज के लिए कुछ कर सके, इसके लिए कौन कौन सी शिक्षा योजना बनानी चाहिए, ये हम आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। विद्यार्थियों आज मैंने आपको प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं बताई, उसमें पहले बताई मैंने आपको समायोजन की समस्या, दूसरी है आपकी मनोवैज्ञानिक समस्या, तीसरी है आपकी सामाजिक विकास में बाधा, चौथी है लापरवाही और हवाई किले, पांचवा है बुद्धि का अनुचित उपयोग, छठा है अभिमान का विकास, सातवां है विद्यालय विषयों में व्यवसाय चयन में समस्याएं और सातवां है आपका कार्य करने की क्षमताएं। ये सभी समस्याएं एक प्रतिभाशाली बालक के सामने आती हैं। आगे के वीडियोस में हम प्रतिभाशाली बालक के लिए किस प्रकार की शिक्षा योजना बनानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बालक इस कक्षा वातावरण में, समाज के वातावरण में, विद्यालयी वातावरण में, घर के वातावरण में, परिवार के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर सके, इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना और इसके लिए आपको मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स को सब्सक्राइब करें
ताकि हम आगे के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें विद्यार्थियों। धन्यवाद।